हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे आप बैठी हो शांतिका, न्यूली इलेक्टेड तृणमूल के आप MLA हो। ये जो डेडलॉक है ओथ टेकिंग के लिए, स्वेरिंग इन के लिए, कि आप चाहती हो कि यहाँ पे आपका स्वेरिंग इन हो, गवर्नर की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि राजभवन के अंदर हो, ये डेडलॉक कब मिटेगा? नहीं, माननीय राज्यपाल दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के बाहर नहीं है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर के अंदर ही रहना पड़ेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। उन्हें ये हम याद दिलाना चाहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वी ऑल मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम कोटिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कॉन्सिक्वेंटली इन द केस ऑफ अ न्यूली इलेक्टेड पर्सन इट वुड नॉट बी नेसेसरी फॉर हिम टू गो बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर प्रिसाइडिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो वो कृपया यहाँ पे आए विधानसभा में, हम इलेक्टेड हुए हैं विधानसभा में, राजभवन में नहीं। तो वो आके वो किस लिए वो भी नहीं ये कर रहे हैं हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। कीपिंग यू नो द रिस्पेक्ट इंटैक्ट, वी हैड आस्क्ड हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट काइंडली लेट अस नो कि कौन हमारा ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्ट करेंगे, पर वो भी नहीं हमें बताया। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि राजभवन में आना है, पर हम भी इलेक्टेड होके आए हैं, हम भी तो नॉमिनेटेड नहीं है ना। हम भी अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके ऑफिस को भी वो क्लैरिटी देना चाहिए था, वो नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं शायद कि हम अपना काम ना कर सके ताकि आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब हमको वोट ना दे। देखिए, उनका नॉमिनेटेड पोजिशन है, उनको शायद कोई किसी एक सेक्शन के लिए उनके ही कैन बी ओनली गुड टू द आईज ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, बट वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स, वी हैव टू वर्क फॉर देम, दे हैव वोटेड फॉर अस। राजभवन में जाके शपथ ग्रहण करने में दिक्कत क्या है, अगर आप इस पे बताएं? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले से ही राजभवन से जो जो लेटर्स आ रहे हैं, इनवाइट्स आ रहे हैं, दोज आर वेरी सस्पिशियस एंड दोज आर, आई मीन वी डिड नॉट हैव एनी क्लैरिटी। हम उन्होंने हमको इनवाइट किया है पर हमारे विधानसभा में कोई इंटीमेशन नहीं था। तो हम अगर जाके भी अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी वहां पे कर लें तो जो साइनिंग है, जो पेपर वर्क है, जो ऑफिशियल काम है, जो मेन, राजभवन में तो कोई ऑफिशियल काम नहीं है, सब तो विधानसभा का ही काम है। तो वो विधानसभा को कोई इंटीमेशन नहीं आया, ऑनरेबल स्पीकर को कोई इनवाइट या इंटीमेशन नहीं आया, तो हम क्यों जाए राजभवन क्यों? फिर भी उनका सम्मान रख के हम बोल रहे थे कि ठीक है, आप हमें प्लीज बताइए कि कौन ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्ट करेंगे, वो भी नहीं बोल रहे हैं। अगर वो बोलते कि हम कंडक्ट करेंगे, फिर भी एक चीज समझ में आता, वो नहीं बोल रहे हैं कि कौन कंडक्ट करेंगे। ऊपर से हम जब पूछ रहे हैं, हमको वो डरा रहे हैं, आ सकती है वो सजा, हो सकती है आपका सीट हम वेकेट डिक्लेयर कर देंगे। देखिए, ये तो अपना कस्टमाइज नहीं कर सकते ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो माननीय राज्यपाल कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो वो शायद खुद एक एक सेक्शन को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। पर वी आर वेरी, राजभवन के साथ आपकी बातचीत कब हुई? बातचीत नहीं हुई, बाई लेटर वी हैड सेंट ऑनरेबल टू ऑनरेबल गवर्नर्स ऑफिस दैट काइंडली लेट अस प्लीज कम टू विधानसभा, वी आर ऑल वेटिंग हियर एंड हम उस हिसाब से यहाँ पे भी सब कुछ हम लोग रेडी करके ही बैठे थे, ऑल द पेपर वर्क, बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म अस एनीथिंग। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, वो नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन। उसके बाद कल भी हमने एक लेटर उनके ऑफिस में वी sent a letter but we have still not received any mail or any official letter in answer to our questions. Manaji ne aaj kaha hai ki mahilaye darti hain rajbhavan jane ke liye, kya ye bhi aapka ek issue hai mentally, ab kya ye aapko affect kar raha hai? Subconscious mind mein to yes, sorry to say. ये रीजन है ना जाने का? दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन। सी आई, मैं नहीं चाहती थी ऐसी बातें हम ऐसे मीडिया में करें, क्योंकि हम उनका सम्मान भी रखना चाहते हैं और उनके सम्मान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका चेयर, वो सम्मान करते हैं। तो आई वॉज नॉट वॉन्टिंग टू स्पीक अबाउट दिस इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, बट ही इज आई मीन फोर्सिंग अस टू टॉक अबाउट इट। येस, ऑफकोर्स वी हैव रेड मेनी आर्टिकल्स, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द न्यूज मीडिया चैनल्स एंड कोई भी will not feel safe, any woman will not feel safe to go to the Rajbhavan alone, and the most suspicious part of
of it is that only I had received the invite first on 21st of this month, but there the by election was conducted on two constituencies, Boranagar and Bhagwangola. So he was not informed. He was informed after 3 days after they came to know that we've spoken about it in the media, that only I have received a letter. Why so? Why? It's very suspicious. And definitely in subconscious mind mein to mera ye bhi tha na, akele kyun bula rahe mere ko unke office mein, mere office ko bhi inform nahi kare, mere ko ko MLA ko bhi nahi inform kare. Fishy. बात की शांतिका बैनर्जी के साथ जो यहाँ पे धरने पे बैठी है, और ये डेडलॉक कब मिटेगा ये शायद सबसे बड़ा सवाल है. कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता.